अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके पेज नंबर 82 पे रिमेनिंग जो उसके पार्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं एज असाइनमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है एवेल्युएट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन ऐप दिया हुआ है, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और 2। इसमें आप इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन ए पार्ट, एक्स क्यूब वाई माइनस टू जी एक्स जी, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई माइनस 1 है, जी माइनस 2 है। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू माइनस 1 और जी की जगह पे माइनस 2। 3 का क्यूब लिया माइनस 27, 3 का क्यूब लिया 27 और 27 माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 27 में 4 माइनस किया माइनस 23 और माइनस 6। ऑलरेडी हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी 3 और वाई जी की वैल्यू क्या थी 2, 3 2 6 और माइनस 6 आ गया, इसकी वैल्यू भी पुट की। अब आप उसको एज इट इज़ आप इसको डिवाइड करवा लेंगे 6 और 23, 6 3 18, हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये आ गया कोशंट, ये हमारे पास कोशंट है, ये रिमाइंडर है और डिवाइज़र है, तो वैल्यू हमने लिख दी। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर आप सेकंड जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है एक्स माइनस 1 वाई और जी, ये आपने इसके अंदर पुट किए हैं। सिमिलरली आपने इस क्वेश्चन के अबव मेथड की तरह आपने उसको अप्लाई किया है और आपके पास आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 5 फिर, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ सिंप्लीफाई। हमने इस पे ऑपरेशन लगाना है, यानी आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शंस हो रही हो तो आप एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इक्वल आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऑपरेशन लगाते हैं। तो 15/2x-1 और माइनस आ गया, आप इसमें से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाला है तो 2 हमारे पास प्लस हो गया और 3 हमारे पास माइनस हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या चाह रहा था 15, यहाँ पे 15 है और यहाँ माइनस 4 है। दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म सेम हो गई, आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, आप इसका एलसीएम लेंगे, ये जो माइनस हमने कॉमन निकाला था ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 दोनों का एलसीएम आ गया 15 + 4 = 19 और 2x-3 एज इट इज़ आपका आंसर। सिमिलरली आप इसका पार्ट 2 भी अटैम्प्ट करेंगे, दोनों का फिर एलसीएम लेना है हमारे पास, 1 - 2 है और ये 1 + 2 है, 1 - 2 और 1 + 2 दोनों लिखेंगे, और जब आप एलसीएम लेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल, ये प्लस वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2 का स्क्वेयर हो गया, इसी तरह ये प्लस प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2 का स्क्वेयर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, सिमिलरली ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, आपको फार्मूला पता है, होल स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ हमने माइनस को ओपन कर लिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब आप देखें आपके पास जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लें, माइनस 4x + 4x से कैंसिल और माइनस 1 माइनस प्लस 1 से कैंसिल, 4 और 4 8x, और नीचे वाले वैल्यूज़ को आप जैसे आप फार्मूला ए माइनस बी को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखा हो तो उसको आपने इसको ये ब्रेक हुआ होगा उसको अपने क्लोज कर देना है, ए माइनस बी का होल स्केयर 1 का स्केयर भी लिख दे, फ़र्क नहीं पड़ता इस। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको आपने ब्रेक कर लिया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 में, और आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेना कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस वाई